रियल इश्यूज़ में एक दफ़ो बीहर भलीकार नादिन सिंध के बिन इलाइकन जिया लाड़ पट्टी में पिण शुगर मिल्स जो चिमनियों नाहन बरी सकूँ जैसे कर आबादगार सख्त परेशान हैं। सन चवण है त मिलू देर से हलण सबब खेन ईंदड़ फसल की पोखी में सख्त दुखियाई पेशी खेन घाटे तोड़ नुकसान भोगणो पवन। इन हवाले से रिपोर्ट कर रो है असो सुजावल जो रिपोर्टर अब्दुल गफूर पलीपोटो। जी जी तो लाड़ पट्टी में कमंद जो जो बंपर क्रॉप है सो मौजूदा दौर में तैयार है। तक यो बुदा हलूँ तो इन साल जो कमंद जो फसल जो तैयार थी बीठल है उनके बरसात तमाम घो मुतासर किया। बरसात के करे तमाम जो फसल घने लाभ रो 50% घट पो रहे। तें हूंदे भी जो गवर्नमेंट के घुर्बो हो तो 15 अक्टूबर का कमंद की सीजन शुरू थी आए मिलू चिमनियों बारी दून पर अं तक कें भी लाड़ पट्टी के सिजावल जिले में जो मिलू आन लाड़ शुगर मिल है दीवान शुगर मिल है झोंक शुगर मिल है पर अं उन का चिमनी बारण या का उनकी का तैयारी अं न कर सकियान। हुकूमत के पारा उन जहाँ कमंद जो रेट मुकर्र क्या वादा उन लाइ भी कैन कमिश्नर या मुख्तलिफ जो इदारा ज़रात खातों उन चुरपुर कह पर अं वो ऐसण में न पे अचे। असाजे लाड़ पट्टी में जो कमंद जो फसल पोखल उनके हूँ यो घो 15 अक्टूबर का जो मिलू हली वन तो उन मिलन के हलन से यो नुकसान यो फायद पे अचे तो मू जो उनमें बीठल फसल में वरी बीहर कणक फसल या बया चेटी फसल पोखे सन जमींदार के रिलीफ मिली वे पर वो नी सको एक पास बोलन की तबाही बरसात की तबाही तो बे पास सरमाएदार ए हुकूमत की बेध्यानी के करे हते जो कमंद जो जमींदार है सो तमाम जो सख्त जो मुश्किल में अची चुको है ए वरी परेशानी के गुजार थे जो गुजर रो है। सरकार के इनके न तो फौरी तौर उपाय वन घुर्जन तो जी कमंद जो फसल लाने से वरी ज़रात के वाधी दियन लाए मानू पैं उनके अगते वधाए सकन। नादिन असो सुजावल जो रिपोर्टर अब्दुल गफूर पलीपोटो लाड़ पट्टी में शुगर मिल्स जो चिमनियों न बढ़ सबब जो सूरत आल है उनका आगाह कर रहे हो। असाजे रिपोर्टर कुछ उतां जे मकामी आबादगारन सां सियासी अगवाणन सां गाल बोल कई आहे हू छा ता चवन अचो तो बुधो। रेट मुकरर कन ऐं मिलू हलाइन चालू कन मानू जमींदार चाहिन था तो मिलू चालू थियन तो चालू थियन घुर्जन छो तो उन टाइम होंद ही 15 अक्टूबर आए पर थींदियूं हमेशा चालू जो दिसंबर 15 का पोइ चालू थींदियूं आहिनि। असां इहो हुकूमत खे अर्ज़ु कंदासीं मुतालबो कंदासीं वक़्त सर मिलू स्टार्ट तकरीबन ज़रात जो असा ख़त्म थी वे इतने के इलाक जो मानुन जो गुजर ही ज़रात है पान बुनियादी तरह ठटा शुगर मिल में एम्प्लॉय रो आया खबर आ इतने जो मिस्किन मानू वो आबादगार हो जमींदार हो पोरियत हो मजदूर हो सीज़न ते डिपेंड तो करे उन बेहतर गुजर तो थे पर ही टाइम से सीज़न न शुरू थे मिलू न स्टार्ट थियण के करे तमाम मान जो है सो नुकसान पे थिए कमांद की कटाई नथी थिए तो ईंदड़ फसल के लिए भी वह जगह कान बचंदी तेज करे वधीक जो है सो ज़रात के नुकसान थींदो। इन का पहरी तो असो इलाको मुकम्मल बुडल है जैमें मस मस वही पानी खत्म थे उन कमांद नथो कटजे त कणक जो फसल को बया चेट को उन जी जी वक्त गुजरों वो तो असाजे लाड़ पट जे कमंद एवरेज घटाइंदा वा सुकंदा वा उन तमाम घणो नुकसान है मिलू तकरीबन सरमाएदार मानून जो जे सरमाएदार चाइनी नसा तो असं वक्त सिर में हलूँ को 15 अक्टूबर के शुरू करणी होंगी उनमें तो अं का मसलो हली को न रेट मुकर्र थ न को उनमें कैन कमिश्नर को नोटिस वरतो है न कोई वजीर ला नोटिस वरतो है तो मिलू कर हलियन अं मिलन कम स्टार्ट ही को तो इन कर कुछ इनके वजीर अला के भी सोचण खे कैंट कमिश्नर के भी सोचण खे तो हिंसर असा फसल लगे बरसात ने कर अढ़ाई महीना लगी तो बरसात हुई तो उनमें तबाह थी हाँ असं वो फसल कढ़ने का असं कणक भी ना उनमें कर सको। असा जमींदार के वे में वो नुकसान है कमाद ज्यादा बिहार के करे जो असाज जमीनों 12 महीने का वी सीढ़ी पीन वक्त ती तुसो सामी मिल बीठी मिल है उनमें न चिमनी बरी है न का शे सबूत दिसण में अचे तो असाजे असो नुकसान किया वे तो ये जमींदारी के हिसाब से न पूरा असा रेट में नो वे का भी चीज़ की असाजी जी आबादी सीढ़ी पी पी उसे पोते रही वन थी सरमाएदार पैंजा कारखाना पैंजा रेट पे मुकर कर छाजे वो प्रपोजल से हलंदा माना जो है आबादगार है हारी मानू है जमींदार मानू है उन्हें वो एक गाल बुधा वो पैं एक हठाई से माना जो सो सरमाएदार बीठल हों 15 अक्टूबर का जो सो माना मिलू जो सो माना स्टार्ट थियण हुई
उहे अञा ताईं मिलूं स्टार्ट न थी सघियूं आहिनि। हाणे जीअं जीअं जेको सो माना जेतिरो टाइम असांजो इहो कमांद बीहंदो ओतिरो उन मां जेको सो माना हुनजो जेको आहे वज़न घटाईंदो ऐं उहो पंज पैदावार जेको सो माना घटाईंदो। हाणे हलूं था मटियारी, जिते मंशात जे वाइपे जे हवाले सां ख़बरूं साम्हूं अची रहियूं आहिनि। चयो वञे थो त मटियारी जेको सकाफ़त जो गढ़ आहे, पुरअमन माण्हुनि जो ज़िलो आहे, उतां जा रहवासी बाशऊर साञा वंदा आहिनि, पर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मंशात जो वाहिपो ऐं विकिरो ज़ोर शोर सां जारी आहे। अहिड़ी सूरतयाल में मटियारी पुलिस छा पई करे? असां ॻाल्हि ॿोल कई आहे मटियारी जे SSP मोहम्मद कलीम सां, हू छा थो चवे, अचो त ॾिसूं था हीअ रिपोर्ट। मटियारे में बि मंशात जो कारोबार चोट चढ़ी वियो आहे। इहो कुधो नंढो नौजवान नसल ऐं ख़ानदाननि जा ख़ानदान तबाह करे रहियो आहे। पोइ मटियारी पुलिस छा पई करे? असां कुझु सुवाल SSP मटियारी मोहम्मद कलीम आॾो रखिया आहिनि, हू छा थो चवे, अचो त ॿुधूं। SSP साहब, अॻु में मटियारीअ जो माओ मशहूरु हूंदो हो, हाणे मंशियात जी हाक थी वई आहे। अॻु आइसक्रीम विकामंदी हुई, हाणे त आइस पई हले। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैं इस डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी, मुझे IG साहब की तरफ से भी यही इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने जो मंशियात है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, और किसी भी सूरत मंशियात का जो कारोबार है उसमें पुलिस का या जो सिविल लोग हैं उनका मुलविस पाया जाना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और इस पर शदीद सज़ाएँ होंगी। उसी तरह मैंने IG साहब के विज़न को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, और मेरे ने एक साल में जो मेरी मटियारी पुलिस की परफॉर्मेंस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। एक हमने LPG जो थी, जो रॉ मटेरियल गुटके का कोयटा उधर पशीन से लेकर कराची की तरफ जा रही थी, उसको इंटरसेप्ट किया, और उससे एक ही कार्रवाई में 13,680 kg जो रॉ मटेरियल है वो बरामद किया गया। इसके साथ साथ बड़ी मल्टीपल कार्रवाइयाँ हैं, बड़ी मकदार में मनों के मनचर्स और टन्स के हिसाब से हमने रॉ मटेरियल गुटके का पकड़ा हुआ है। एक साल के टेन्योर में हमने 383 kg चर्स को पकड़ा है, 52.5 kg जो है ओपियम को पकड़ा है, 5.5 kg हीरोइन पकड़ी है, और सबसे बड़ी बात जो आजकल मैनपुरी का बहुत हवा बना हुआ है, वो हमने टोटल 35,000 kg प्लस जो ये गुटका का रॉ मटेरियल पकड़ा हुआ है, और इसकी मालियत जो है वो करोड़ों में है। तो पोइ इहो ॿुधायो त तव्हां जेतिरी मंशियात पकड़ी आहे उहा ज़िले में हलंदड़ मंशियात जो केतिरो सैकड़ो आहे, ऐं पोयां केतिरो सैकड़ो कमु हले पियो? देखे, मटियारी डिस्ट्रिक्ट का जो दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये है कि हाईवे हमारा 90 किलोमीटर्स है, बड़ा लंबा हाईवे है, उसमें बड़े लिंक रोड्स हैं जहाँ से ट्रांसपोर्ट इसकी हो सकती है। सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ जो हमने की हैं वो लिंक रोड्स पर और मेन हाईवे पर की हैं। दूसरा जो इंटरनल है, मटियारी की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये उस तरह का हब नहीं था, लेकिन ये कि फिर भी हमने इसको कार्रवाइयाँ कर करके अब लोकल सतह पर भी ये ना होने के बराबर है। जाहिर है मैं ये नहीं कह सकता खत्म, लेकिन ना होने के बराबर है। हैदराबाद में हीरोइन जा आदि चवन था तो मटियारी मां हीरोइन वठी ईंदा आहिनि, इन खतरनाक जहर खिलाफ छो नथा कार्रवाई कयो? इलाके में इसकी जो प्रोडक्शन है या इसका जो सेल है वो बहुत कम होगा, बनिस्बत ये कि ये उन इलाकों में होती है जहाँ पे गुंजान आबादी हो, स्लम्स हों, कच्ची आबादियाँ हों, ये बेसिकली उन इलाकों में इसका फरोख्त का ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसकी कार्रवाइयाँ हमारी तरफ कम है आइस की, लेकिन ये कि हीरोइन, ओपियम, चर्स, इस पर तो हमने लातादाद कार्रवाइयाँ। अवां खां हिकिड़ो नंढो सुवाल, जेको माण्हू हीरोइन ऐं आइस खपाए ज़िंदगियूं ऐं ख़ानदाननि जा ख़ानदान तबाह करे छॾे, उनखे कोर्ट वठी वञणु घुरिजे या फुल फ्राए? हमारा कानून जो है, कानून की पासदारी पुलिस के लिए पहला जो प्री रिक्विजिट है, हमें इनको कानून के मुताबिक ही डील करना है। अगर असल मेहनत जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पे साइड पे करने की ज़रूरत है। अब DIG साहब के ऑर्डर पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है, जिसमें दो पढ़े लिखे सब इंस्पेक्टर्स को रखा गया है, जो ख़ास तौर पर जो ड्रग्स के केसेस हैं उनको मॉनिटर करते हैं ताकि कन्विक्शन रेट बढ़े। जेको मानू आइस विकणी नौजवानन के तबाह करे, हीरोइन खपाए घर बर्बाद करे, मैनपुड़ी हलाए कैंसर पखेड़े, उन जी संदस साथारिन जी केतरी वड़ी सजा हो जाने घुर्जे? देखें जी, इसको तो जितनी भी सज़ा मिल जाए वो कम ही है, क्योंकि ये लोगों की माओ की गोद उजड़ जाती है, बहनों के भाई मर जाते हैं, बेटे मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ का कानून है।
तवां कार्रवाई जो वड्यूं दावाऊं कयो था पर मंशात फरोश चवन था त खेन पुलिस जी परवाही ना है। देखें हमारा हर बंदे का अपना मेरा जैसे फ़र्ज़ है कि मैं लोगों की हिफाजत के लिए लोगों को इस लानत से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करूं। मैंने अपने SHOs अपने DSPs अपने अफसरान अपने जवानों को सारों को हदायत जारी की हैं। खुद मैं खुद अपने तौर पर भी इस चीज़ पर लगा रहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसा कोई हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो तो हम उस पर तगड़ी कार्रवाई करें। मेरी यही कोशिश है कि हम अपना बेस्ट पॉसिबल जो एफर्ट है उसे करें, लोगों के बचाने की जितनी मैक्सिमम कोशिश है वो करें। मंशा के कारोबार बाबत चय वे तो गंदा है पर धंधा है ये। पुलिस मथा ये भी इल्ज़ाम लगन था तो कुछ एहलकारन का विंदे जिले के वन अमलदार ताई उहे मंशात फरोशन से मिली भगत में मुलविस हैं। अवां इन्हनि खिलाफ़ कार्रवाइयूं छो नथा कयो? रेगुलर हम इनको पनिशमेंट्स दे रहे हैं। अब हफ्ते के बेसिस पर OR होती है, जिसकी भी IR रहती है या जिसका भी इंफॉर्मेशन IG साहब और DI साहब की तरफ से फ्लो होके आती है, हम उसके शोकाज देते हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी कराते हैं। जिसके खिलाफ इंक्वायरी साबित होती है हमने डिसमिस भी लोगों को किया है, मेजर पनिशमेंट्स भी दी हैं। सबसे जो बुरा किसी के साथ एक सर्विस में हो सकता है वो डिसमिस फ्राम सर्विस है। उससे भी बुरा ये है कि लोगों की बददुआओं से बचना चाहिए, आखिरत में भी आप लोगों को जवाब देना है। मेरी उनसे यही अपील होगी कि हर तरह से इसको रिजेक्ट करें, इनके साथ जो मंशियात फरोश है उनसे तल्लुकात को ख़त्म करें। इस तरह के जो अनासर हैं उनके खिलाफ ऐसी तगड़ी कार्रवाई करने के लिए हम वक्त तैयार हैं और किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो हमारे पुलिस ऑफिसर या जवान की तरफ उंगली भी उठा सकें, उनको रजिस्ट करना तो दूर की बात है। आखिर में यो बुधायो तो ही हाफ ही फुल फ्राई छा है? देखिए जी, हमें तो इस टर्म का यही अंडे के बारे में देखा, हाफ और फुल नाश्ते में खाते हैं, बाकी एक इससे ज़्यादा हम उस जमन में कुछ नहीं कह सकते। अवा SSP मटियारी मोहम्मद कलीम जो गालियों बुधूँ। हाँ मटियारी जिले जा रहवासी पान फैसलो कंदा तो SSP जी दावाओं गालन में केतरो मुतमिन आहिन। कैमरामैन यासिर कुराई साथी रिपोर्टर अब्दुल गफूर मलाह सांगड़ इरफान अली बुघियो आवाज़ न्यूज़ मटियारी। नाज़रीन इन ही गड प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी ते पहुंचे तो मुझे कैमरामैन यासिर कुराई सा गड इरफान अली बुगे के हैदराबाद में डींदा इजाज़त अल्लाह निगेबान।